मैं हूं मन्नू, आप देख रहे हैं अन्नूज रेसिपी। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दो ड्रिंक बनाना सिखाऊंगी आपको, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप इन ड्रिंक्स को रेगुलरली यूज करते हैं तो काफी हद तक आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। तो जल्दी से इस कमाल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पानी ऐड करने के बाद में यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा मैंने अदरक का ग्रेट करके ले लिया है, उसको हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके साथ में ही 20 पत्ते तुलसी के हमने ऐड कर दिए हैं इसमें। तुलसी के पत्ते ऐड करने के बाद में एक छोटा चम्मच इसमें हम दालचीनी का पाउडर ऐड करेंगे। दालचीनी का पाउडर अगर ना हो तो इसकी जगह आप साबुत दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब हम इसको गर्म करेंगे। हमें इसको तब तक गर्म करना है जब तक कि इसमें एक अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता है। तो बीच बीच में इसको स्टर करते रहें और इसको गर्म होने दें, अच्छे से इसमें उबाल आने दें। बॉईल आ चुका है, आप देख सकते हैं। हम गैस को कम कर देंगे और इसको लगभग आधा होने तक हम अच्छे से बॉईल करेंगे। ये देखिए हमारा जो ड्रिंक है वो आधा हो चुका है, मैंने गैस को ऑफ कर दिया। अब हम इसको हल्का सा ठंडा होने देंगे। हल्का ठंडा होने के बाद में हम इसको स्ट्रेन करेंगे, एक ग्लास में हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे और आप देख सकते हैं कि लगभग ये आधा हो चुका है ड्रिंक। स्ट्रेन करने के बाद में अब हम इसको हल्का सा गुनगुना होने देंगे, यानी हल्का ठंडा और करेंगे। यहां पर मेरे पास शहद है, एक छोटा चम्मच इसमें हम शहद ऐड करेंगे। हल्की सी जब ठंड बढ़ जाती है, यानी ठंड होती है तब शहद थोड़ा सा जम जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है शहद। तो एक छोटा चम्मच शहद इसमें हम ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये ड्रिंक बनकर तैयार है। आप इसको दिन में दो बार पी सकते हैं और ध्यान रखिएगा, जब भी आपको इसको पीना हो आप इसको फ्रेश बनाएं, बना करके पहले से ना रखें, बना करके तुरंत पी लें। अगर आप ये ड्रिंक नहीं पीना चाहते हैं तो इसकी जगह आप दूसरा ड्रिंक बना सकते हैं, यानी कि अगर आप चाय पीते हैं तो चाय बनाते वक्त आप उसमें 20 पत्ते तुलसी जी के डालें और थोड़ी सी अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके डाल दें और 5 काली मिर्च उसमें ऐड करें। उस चाय को आप बना करके पी सकते हैं, उससे भी आपकी इम्यूनिटी काफ़ी बूस्ट हो जाएगी। और उस चाय को भी आप दिन में दो बार ही पिएं, ज़्यादा ना पिएं क्योंकि काफ़ी गर्म होती है। ये ड्रिंक भी आप दिन में सिर्फ दो बार लें। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और इस ड्रिंक को आप डेली कंटिन्यूसली यूज़ किया कीजिए। फिर से मिलेंगे एक नई रेसिपी।